10 फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? 10 फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रॉथ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति। लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा, वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था 10। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। जुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थी। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था 10। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया।
सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर्स से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान। और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है, क्योंकि इसमें सलमान खान है। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।